मैं पूरे 9 months ये सोच के खाती पीती रही कि मेरा बच्चा बहुत मोटा ताजा पैदा होगा, और हुआ ऐसे कि वो बिल्कुल चूजा सा रहा और मैं खुद मोटी हो गई। अब यार इसमें मेरा थोड़ी कोई कसूर है, मैंने उसको थोड़ी कहा था कि उसको न लगे मुझे लग जाए। तो इस वजह से अब 9 months को कम्पनसेट करने के लिए मैं ब्राउन ब्रेड खा रही हूँ आजकल, और लंच में भी बस जो घर में आपको फ्रूट और वेजिटेबल्स में मिले वो काट के सैलड बना के खा। और पूरे रमजान 30 दिन जो पकौड़े बन बन के कढ़ाइयाँ काली हुई होती है ना, उसके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देती हूँ। यार कोई जरूरत नहीं है उनको मांझ मांझ के खपने की, सिंपल कढ़ाई को चूल्हे पे रख के फुल आंच कर दो, एंड देन सी द मैजिक, वो खुद ब खुद बिल्कुल चमक जाएगी। और ये मेरा छोटा सा चिरकू, और हाँ यार ये हैक नॉन स्टिक के ऊपर ना ट्राई करते रहना, वो कढ़ाई जल जाएगी। और आज मूसा के अब्बा यानी जिशान भाई की बर्थडे है, तो सब मिलके ना इनको मोटिवेट कर दो कि यार ये पेट अंदर कर ले। मैं तो खैर इनको कह कह के थक गई हूँ, लेकिन मेरी बात का तो असर नहीं हो रहा। और इन्होंने ना हम सबको पूरे महीने लाले लगाए हुए थे कि तुम लोग को ईद की शॉपिंग कराऊंगा, तो एंड लास्ट डे जब ये लेकर आए तो ये खुद ही मॉडल बने हुए थे। और यहीं पे ना मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी सबको, ये ईद त्यौहार ही होता है लेन देन के लिए, स्पेशली सब भाइयों को चाहिए कि वो अपनी अपनी इस्तेताद के मुताबिक अपनी बहनों को ईद तो लाजमन दे। एंड लेट मी शो यू गाइस व्हाट हैपेंस व्हेन डैड्स आर ऑन ड्यूटी। ये इन दोनों को हमने पकड़ाया कि चले अब जरा 2 मिनट ड्यूटी दे। और बस मुकाबले में दोनों रो रहे हो, और हम तो टाइम से पहले ईद की पूरी तैयारी करके बैठ गए, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। इनका क्या भरोसा ये हर साल की तरह रात को 1 बजे अनाउंस कर दे। और ना बेडशीट बिछाते हुए ना एक और मजे की टिप देती हूँ, ये मेरा पर्सनल इजाद किया हुआ हैक है। बेडशीट चारों साइडों से अंदर देते हुए मुझे तो अपने नाखूनों का ही डर लगा रहता कि अभी कोई टूटा, तो उससे बचने के लिए मैंने कंघी की हेल्प से पूरी बेडशीट अंदर फोल्ड कर दी। एंड दिस इज मी डूइंग द सेम थिंग आई यूज्ड टू डू इन एवरी सिंगल ऑफ माय वीडियोस। सो नाउ वी आर डन विद द होम चोर्स, इट्स टाइम टू गेट रेडी। और यार अभी ना मैं इंस्टा रील्स देख रही थी, सारे सेलिब्रिटीज ने चांद रात की कोई ऐसी वीडियोस बना के डाली। इतनी परफेक्शन देख के तो बंदे को कॉम्प्लेक्स ही होने लगते हैं। एंड एज वी ऑल नो नथिंग इज परफेक्ट एंड नॉट एवरीथिंग वी सी ऑन द स्क्रीन इज रियलिटी। एंड आई फील लाइक हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स तो होता है। एंड द मेजर स्किल इज हाउ यू टेक केयर ऑफ दैट। यू डोंट नीड टू शो टेल पीपल अबाउट योर इनसिक्योरिटीज, बट वन शुड बी स्मार्ट इनफ टू हाइड देम। मतलब मेरे तो ओवर कॉन्फिडेंस का ये हाल था कि मैं अगर पेपर 0% तैयार करके जाती थी ना, और मेरे से कोई पूछ लेता था ना कि कैसी तैयारी है, तो मैं कहती थी 100%। मतलब मैं तो किसी को ये भी नहीं बताती थी कि आज मैं तैयारी करके नहीं आई। ये ना हम किसी और के सेटअप पे तस्वीरें बनाकर आए हैं। और मेरा ना ये सारा ज्ञान देने का मकसद सिर्फ यही था, हमारे अंदर जो कमियां होती है ना हमें उसको छुपाना या उसको दूर करना आना चाहिए, लेकिन उसको हाईलाइट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर आपने मुल्तान में किसी अच्छी जगह का स्टेक खाना है तो लेट अस योर पॉइंट। और ये जो मैं एक प्राइज उठा रही थी ना, उसको भी पता लग गया मैं डाइट पे, और वो वही रास्ते मुस्तफा भी खैर से चुप बैठा हुआ, वरना उसकी तरफ से भी सुनवा देती। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।